दीन की हिफाजत के लिए दीनी तालीम और हिफ्ज़े कुरान के मदरसों के कामों में मुआवनत करने वाले भी अल्लाह ताला के सरकारी काम में शामिल हो जाते हैं। यह 27 रजब 1412 हिजरी मुताबिक 2 फरवरी 1992 शेखुल अरब वल अजम का बयान 11:30 बजे इतवार के दिन सुबह मदरसा फैजुल उलूम हैदराबाद दक्कन के इसमें जो मदरसे में खर्चा करते हैं और उसकी वजह क्या है उसे बताकर फिर बयान आज के खत्म करते हैं। अल्लाह ताला फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ये कुरान हमने नाजिल किया है और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो हिफाजत का जरिया क्या है जी, चलो आ जाए इस पर, हिफाजत का जरिया क्या है? हाफिज कुरान, उलमाए किराम, मुफ्ती साहिबान, बुजुर्गान दीन, इमाम साहिबान, ये बनते कहां हैं? मदरसों में ना। तो जो उसके साथ ताउन करेगा वो क्या मामला है? और हमारे बुजुर्गों का देखो जरा, दारुल उलूम का एक दिन का लाखों और लाखों और लाखों का खर्चा है, खाली बिजली का बिल देखे कितना है। उनका कोई सफीर है? आज जुम्मे के इतनी बड़ी मस्जिद है, आसपास सब फैक्ट्रियों के मालकान और बड़े पोस्ट वाले आते हैं, कोई पेटी चली, कोई शेखुल इस्लाम दामद बरकातुम की तरफ से सफीर फैक्ट्रियों में गया? हालांकि बड़े बड़े लोग कितनी हजरत की इज्जत करते हैं, कितना हजरत के आगे बिछे जाते हैं, लेकिन उसकी फिक्र ही नहीं। अल्लाह ताला कैसे काम चला रहे हैं? हमारे यहां भी जो जितने काम हुए और अल्लाह की रहमत से जो अभी मदरसा बन रहा है, अल्लाह का एहसान है कि सिर्फ इतला कर देते हैं बस कि भाई ये काम हो रहा है। अब अल्हम्दुलिल्लाह 5 करोड़ का सिर्फ प्लाट खरीदा गया और अभी 9 करोड़ का खर्चा है और सिर्फ इतला है बस, और इतला कंप्यूटर के जरिए 1-2 बार इतला कर दी काफी है। जल्दी जल्दी बात अर्ज करता हूं।